प्रदीप जी, बहुत ओके, बहुत थैंक स्वागत यू है। वेरी मच मैम, नमस्कार थैंक यू नमस्कार वेरी मच मैम। प्रदीप जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास जो है उसमें चित्रकला और मूर्तिकला का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। मतलब प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि अलग अलग गुफाओं में, कंदराओं में तरह तरह की मूर्तियां उकेरी गई हैं, तरह तरह के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। चाहे बात आप अजंता एलोरा की ले लीजिए, चाहे वो कोणार्क की ले लीजिए, चाहे और भी कहीं दूसरी जगहों का ले लीजिए, आप खुजराहो का ले लीजिए, तो सब जगहों पर ये चित्रकला और मूर्तिकला हमको देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पुरातन काल था वो बहुत ज्यादा समृद्ध था, बहुत ज्यादा उन्नत था। और इसी परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप आगे चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से आपको इसमें रुचि जगी, कैसे आप इस क्षेत्र में आए? पहले तो मैं अपने शब्दों को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ई मंच का और उस टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मेरे शब्दों को यहाँ पर मैं अपने शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ। मेरा बेसिकली इतना रुझान शुरुआत में नहीं था, मैं बचपन से इस कला में नहीं था, मगर सातवीं कक्षा कहूंगा जब मेरा पहली बार मैंने अपने आप को देखा कि मुझे मुझे इस कला में जाना चाहिए। क्योंकि क्या था कि एक रेगुलर रूटीन था कि स्कूल में गए हैं, टीचर आर्ट पीरियड चल रहा है और आर्ट पीरियड में मैम ने कहा जो मैंने आपको काम दिया था वो दिखाओ। और सभी को मतलब क्या था कि एक एक करके रोल नंबर वाइज चेक किया जा रहा था कि इस बच्चे ने किया, इस बच्चे ने किया। तो मेरा किस्मत अच्छी थी कि मेरा नाम पी से था तो मेरा बाद में नंबर आ रहा था, तो जितनी देर में मेरा नंबर आ रहा था उतनी देर में मैंने वो अपना जो वर्क था वो कंप्लीट कर लिया। तो मतलब मुझे देखने को मिला कि मेरी जो स्पीड थी, जो मेरी एक्यूरेसी थी, जो मेरा वर्क था वो मेरे रोल नंबर आने तक ही मैं कर पाया। तो टीचर ने देखा कि मैं उस टाइम, टीचर ने भी ऑब्जर्व किया उस चीज को कि मैं कर रहा हूँ। देखो मैं कहूंगा कि एक टीचर का और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है वो काफी बॉन्डिंग जरूरी होती होता है, थी जी। बॉन्डिंग होती है। एक वो बॉन्डिंग थी, उनकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने वो ऑब्जर्व किया कि मैं अभी चेक ही कर रही हूँ, इतने में उसने अपना काम भी करके तैयार करके दिखा दिया। तो जब उन्होंने ये देखा और मैंने जो काम दिखाया तो पीछे से जिस तरह के आप कहोगे ना कि आपके समाज में इस तरह के लोग होते हैं तो बचपन से भी होते हैं कि आप अगर कुछ करने जा रहे हो तो आपकी जो पीछे से टांग खींचने वाले या आपको रोकने वाले लोग रहते हैं। तो कुछ मेरे मित्र थे जिन्होंने कहा कि मैम इसने तो अभी काम किया, इसे तो ऐसे नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। मैम ने कहा देखो जब भी किया है मगर इसने अपनी ड्यूटी पूरी की है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है, इसने उस काम के प्रति अपना रुझान दिखाया है, किया है। मतलब ना नहीं था यहाँ पे, हाँ था। तो हाँ एक पॉजिटिव चीज है और वो करनी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरी टीचर ने और मैंने दोनों ने वो इंटरेस्ट डेवलप किया और उसके बाद में बहुत से कॉम्पिटिशन्स में मेरी मैम ने मुझे भेजा और उन कॉम्पिटिशन्स में जाते 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 कहा मैं कला के अंदर एक कलाकार का रूप आ गया मेरा। मैं सारा श्रेय मैं अपनी टीचर को ही दूंगा। उन्होंने मुझे उस टाइम पे उमा भारती मैम थी वो, उन्होंने मुझे 7th क्लास में जिस तरह से मुझे मोटिवेशन प्रोत्साहित दिया वो किया। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, प्रोत्साहित किया उन्होंने मुझे लिए, मेरे लिए वो बहुत जरूरी था। उसी वक्त मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये इस तरह की कोई कला है। जी, ये सही बात है कि अगर मान लो बच्चों को बचपन से ही जिस क्षेत्र में वो आगे जा रहे हैं और अगर हम उस क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित करें तो निश्चित तौर पर वो एक मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो प्रदीप जी, जैसे चित्रकला की अलग अलग विधाएं होती हैं, माने अलग अलग क्षेत्र में चित्रकला की जाती है, जैसे मधुबनी में पेंटिंग है, दूसरी और भी ढोकरा कला है, फिर ऑयल पेंटिंग है, और अलग अलग तरह की पेंटिंग्स है। तो आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं और किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, किस विधा में आपकी रुचि है पेंटिंग्स की? बेसिकली मैम मैं जो वर्क करता हूँ वो इंडियन ट्रेंड पे और कंटेम्परेरी अब्स्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ। मतलब अच्छा जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे अगर आप कहें कि अगर मैं अपने शब्दों को कोई रूप देना चाहता हूँ तो मैं उसे पेंटिंग का रूप दे देता हूँ। ये मेरे लिए एक भाषा है। मैं अपने हाँ हाँ फीलिंग्स को अगर कुछ कहना चाहता हूँ किसी को तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा सा रूप है कि मैं उसको एक पेंटिंग बनाकर अपने पूरे फीलिंग्स उस पर शेयर कर सकता हूँ। तो जी, मोस्ट मैक्सिमम जो आर्टिस्ट है, मोस्ट बहुत से जो आर्टिस्ट है वो यही करते हैं कि अपनी फीलिंग्स को उस कैनवस पे उतारते हैं और उस फीलिंग्स को वो औरों तक पहुंचाते हैं। जैसे म्यूजिक में अगर आप शायर जो राइटर लिखता है वो गाना जो गाता है वो जो अपने मन की बात है वो औरों तक पहुंचाना चाहता है उस गाने के माध्यम से, ऐसे ही आर्टिस्ट भी क्या करता है वो अपनी पेंटिंग से आगे तक वो सबको बताना चाहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे साथ चल रहा है, क्या समाज में चल रहा है, या मैं क्या कहना चाहता हूँ आने वाली
जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए। तो उस तरह की पेंटिंग्स में जो आप बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब रियलिस्टिक वर्क ना होके अब्स्ट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ फीलिंग्स होती हैं, उसमें कुछ लाइंस होती हैं, उसमें कुछ कलर्स होते हैं, वो कलर आकर्षित करते हैं बच्चों को और लोगों को। तो उस तरह की पेंटिंग से मैं काम करता हूँ। तो उसमें इंडियन आर्ट भी, हमारी मधुबनी भी है, हमारी लिप्पन आर्ट पे भी मैं काम करता हूँ, मैं अब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे भी काम करता हूँ, और मैं बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ आर्ट की, जिससे उनको पता लगे कि हमारी कितनी ज्यादा जो पेंटिंग में हमारा, जो आर्ट में हमारा रुझान रहा है हमारे इतिहास में। और जो शुरुआत जो है, मैं कहूँगा कि रामायण काल से ही, मतलब जब से रामायण और हमारे राम भगवान है, तब से ही पेंटिंग्स के अंदर हमारा रुझान रहा है लोगों का, और उन्होंने हमारी हिस्ट्री भी उसमें रही है। कहा जाता है कि जब महाराजा जनक ने अपने माता सीता जो है और राम का विवाह था, उस समय पे उन्होंने मिथिला के अंदर सभी जो लोगों को अपने घर को जो डेकोरेट करने के लिए, सजावट करने के लिए, मिथिला आर्ट, मतलब मिथिला आर्ट मधुबनी आर्ट दोनों एक ही जैसी आर्ट है, सिमिलर वर्क है दोनों का, उन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। तो दोनों बिहार की है, और इस तरह के वर्क को उन्होंने, महाराजा जनक जी ने कहा कि इतनी सुंदर दीवारें होनी चाहिए कि अयोध्या नगरी से जब कोई आए हमारी नगरी में, तो उन्हें हमारी संस्कृति पता लगनी चाहिए, हमारे संस्कार पता लगने चाहिए, हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो पता लगना चाहिए, हमारे जो लोगों को हम बोलकर समझाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है वो हम दिखाना चाहते हैं। तो उस समय से ही ये कला चलती आ रही है, और ये नेपाल के अंदर भी आप मिथिला जगह है वहाँ पर, वहाँ पर भी इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती है। जी, आपने अभी बात करी प्रदीप जी रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के बारे में, तो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि रियलिस्टिक पेंटिंग में, जैसे कि जो सजीव चित्रण लोगों को बैठा के पोर्ट्रेट वगैरह बनाने का कार्य आप करते हैं, तो आपने अभी तक कितनी रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई है, और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में जैसे आप रेजिन का प्रयोग करते होंगे, मूर्तियां भी बनाते होंगे, तो वो दोनों का क्या बेसिकली अंतर है वो हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। मैं कहूंगा कि जैसे अगर रियलिस्टिक बोलें तो हम लियोनार्डो द विंची जी का नाम लेना चाहेंगे। वो अपनी जो भी पेंटिंग बनाते थे, उसमें मोनालिसा भी एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग का वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, प्रसिद्ध है और सबसे कॉस्टलीस्ट पेंटिंग है वो उस समय हमारे सामने जो है। और लियोनार्डो द विंची जिस तरह की पेंटिंग बनाते थे, उसमें वो फीलिंग जो आप एक चेहरे में देखना चाहते हैं, वो जो कलर है, जो आप समाज दुनिया में जो सामने जो कलर आपके सामने है वो देखना चाहते हैं, उसमें जो पूरे लाइवली फीलिंग्स जो है वो आप उस पेंटिंग के अंदर देख सके, इससे रियलिस्टिक पेंटिंग्स के अंदर हम काम करते हैं। और एक एक बारीकी देखी जाती है। अब उसमें एक एक बारीकी में ये नहीं कहा जाता कि हमने सिर्फ आंखें बना दी, हमने सिर्फ नाक बना दी है, फीचर्स बना दी, वो सिमिलर है बस वही है, नहीं। उसमें जो इंटरनल फीलिंग्स है कि मतलब वो, अगर कहें मोनालिसा से एग्जांपल दूं तो मैं उसमें पूरे भाव होना चाहिए। हाँ, जो भाव है वो भाव उस पेंटिंग के अंदर मिले, आपको देखने को मिले, उसे हम रियलिस्टिक पेंटिंग के रूप में कहते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने एक न्यूज के अंदर अभी पढ़ा था कि $44 million की एक पेंटिंग बिकी थी जिसमें सिर्फ वन स्ट्रोक था, वो वन स्ट्रोक पेंटिंग थी जिसमें आसपास ब्लू कैनवस था और बीच में एक व्हाइट कलर की लाइन थी। वो व्हाइट लाइन से उसने दर्शाया था कि ये मेरे जीवन का संघर्ष है, और जो आसपास है वो सैटेलाइट है और वो पूरा ब्रह्मांड है, वो आकाश है, वो समुद्र है, वो नीला रंग का उन्होंने दिखाया था। तो सिर्फ दो रंगों से उन्होंने अपनी पूरी फीलिंग, अपनी पूरी लाइफ स्टडी, अपने लाइफ का स्ट्रगल शो किया था उस पेंटिंग के अंदर। तो अब्स्ट्रैक्ट के अंदर कहीं किसी हद तक हमें मतलब भारतीयों को जिस तरह से हमें बताना लगता है कि उस पेंटिंग के बारे में बताना पड़ता है अब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि मैंने ये सोचकर ये बनाया गया है। क्योंकि यहाँ के मैं कहूंगा कि यहाँ के लोग, जैसे अगर मैं कहूँ एग्जांपल के तौर पर कि आप भी अगर किसी अंधकार गली में जाना चाहें तो आपको एक बार हिचकिचाहट होगी, आपको भी लगेगा कि कोई मुझे बताए उस अंधकार गली में है क्या। जाने के बाद जिस तरह का उजाला आपको मिले, जिस तरह का ज्ञान आपको मिले, जिस तरह का अनुभव आपको मिले, वो अलग है। परंतु आपको एक बार, बहुत सारी गलियां हैं जिसमें उजाला है, आप क्या करोगे, उस गली में जाना पसंद करोगे, ना कि अंधेरे वाली गली में। तो अब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी इस तरह की एक अंधेरी गली है जिसमें हिचकिचाता है इंसान अपनी बात को शेयर करने के लिए, समझाने के लिए, और वो सामने वाला भी उसके पास जाने के लिए रुकता है। मतलब एक मैं कहूंगा कि
पेंटिंग देखने वाला बंदा भी सोचेगा पता नहीं क्या, ये तो मैं भी बना लूँ, ये मेरे बच्चे भी बना लेते हैं, ये तो कोई भी बना ले, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उस बड़ी बात को ना समझते हुए उस आर्टिस्ट का स्ट्रगल देखें कि उसने कितने सालों तक, कितने ईयर तक उसने रियाज किया उस एक स्ट्रोक को बनाने के लिए। कहने की बात है कि आप एक बारी एक लाइन सीधी खींच देते हैं, आपका अनुभव, आपका वो प्रैक्टिस है, बट ऐसा है नहीं। एक अनुभव जो होता है ना उस कला के अंदर, उस कलर के अंदर, वो कलर की जो मिक्सिंग है वो हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप, वो जो फीलिंग वो कोई नहीं ला सकता उस पेंटिंग के अंदर। जी, ऐसे ही जब आप मूर्ति बनाते हैं, ये तो कलाकार के मनोभाव हैं, तो मूर्ति, हाँ मनोभाव है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनोभाव के ऊपर पेंटिंग बन सकती है, बनती है। जी, और जैसे आपने अभी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में बात करी, जैसे आभासी दुनिया है भाई, हमने अपने हिसाब से जो हमारे मन में भाव उपजे, हमने वो पेंटिंग के रूप में उसको ढाल दिया। और वैसे भी हर कलाकार, चाहे वो एक कवि हो तो उसके जो मनोभाव होते हैं वो अपनी कविताएं लिखता है, कोई लेखक है उसके जो मनोभाव होते हैं वो अपनी कहानियां लिखता है, वैसे ही चित्रकार है, वैसे ही मूर्ति कला की बात भी है। आप बात कर रहे थे मूर्ति कला की, तो हम जानना चाहेंगे आप क्या बता रहे थे। जैसे कि मैं मूर्ति कला के बारे में ये कहना चाहता था कि अगर आप मूर्ति बना रहे हैं और आपके अंदर जो भाव है, मतलब आप बहुत खुश नहीं है और आप भगवान राम या किसी भगवान की मूर्ति बनाना चाहते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि उतनी सुंदर तस्वीर आप नहीं बना सकते अगर आप मन से खुश नहीं है या मन से शांत नहीं है, मन से भरे हुए नहीं है। अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है तो आप जो पेंटिंग बना रहे हैं या कोई मूर्ति बना रहे हैं उसमें उतनी सुंदरता नहीं आती। आपने देखा होगा डिवोटीज जो होते हैं कृष्णा और रामा और शिवा के, वो लोग बहुत सुंदर तस्वीरें बनाते हैं, इतनी मनमोहक होती हैं कि आप मतलब मूर्ति को देखने जाते हैं मंदिर के अंदर, तो वो प्रसन्न चेहरा जो है ना वो आपको आकर्षित करता है। मगर वो मूर्ति कला करने वाले व्यक्ति के मन में भी उतनी ही खुशी होनी चाहिए। अगर वो खुशी अगर मन में नहीं है तो मैं कहूँगा वो कला में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। तो उस जो मूड को लेके आना, उस भाव को लेके आना, वो भी कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है इस रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर। हम अगर प्रोफेशनली देखें तो हमें लगता है हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हम वो पेंटिंग बना रहे हैं या हम वो मूर्ति बना रहे हैं, मगर अगर उसे आप फीलिंग से बनाते हैं ना तो उतनी सुंदर बनती है, उतनी आकर्षित बनती है कि आप बस देखते रह जाते हैं और मनमोहक हो जाती है पेंटिंग। इसलिए मैं कहूँगा कि लियोनार्डो दा विंची जब पेंटिंग बनाते थे वो टाइम नहीं देखते थे, वो नहीं देखते थे कि मुझे 3 दिन में खत्म करनी है, 3 हफ्तों में खत्म करनी है, 3 साल में खत्म करनी है, मतलब उन्हें तो वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि उस पेंटिंग में जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिले, जो सामने वाला चाहता है वो उसे मिले। मूर्ति में भी ऐसा ही होता है, अगर आप किसी भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक बार खड़े होते हैं तो आपको उनसे जो कनेक्शन होता है, जो फील होता है, वो एक बार ऐसा लगता है कि हाँ वो वैसे ही है, सुंदर है, मनमोहक है, जैसा हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं और जैसा हम चाहते हैं। तो मैं कहूंगा कि कहीं कलाकार और भावनाएं दोनों जब तक ना जुड़े, दोनों का अगर कनेक्शन ना हो तो कहीं एक कमी रह जाती है पेंटिंग्स के अंदर भी और मूर्तियों के अंदर भी। और वो दोनों अगर कनेक्शन नहीं है तो वो आप हर किसी को अपनी तरफ नहीं समझा सकते कि हम मैंने क्या सोचकर बनाया था किसी पेंटिंग को। बिल्कुल, मतलब अपने मनोभावों को आप व्यक्त करने के लिए आप चित्र को उकेरते हैं और उस चित्र में अपने मनोभाव को आप डालते हैं और चाहते हैं कि लोग भी उस चीज को समझें और बखूबी समझते भी होंगे। जिस तरह से आप इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं और आपकी पेंटिंग्स इतनी बिकती हैं और आपका इतना जाना माना नाम भारत में है, तो निश्चित तौर पर लोग आपको समझते भी होंगे और आप जानते भी होंगे। प्रदीप जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि चित्रकार हैं आप और चित्र बनाते हैं अलग अलग तरह की और मूर्तियां भी बनाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप मूर्तियां भी बनाते हैं, तो आजकल के समय में एक मॉडर्न आर्ट करके चीज आती है लोगों के सामने, तो ये मॉडर्न आर्ट आपकी नजर में क्या चीज है? कुछ भी बना देते हैं लोग और बोलते हैं ये मॉडर्न आर्ट है। नहीं नहीं ऐसा है नहीं, मगर मैं कहूंगा कि कुछ लोग बीच में कहूंगा ऐसे हैं जो उसको तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कई बार मैंने YouTube पे देखा वो कलर को पैक कर दिखा रहे हैं, पैरों से रौंद रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं किसी चीज की आप मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो उसकी बेइज्जती भी ना करें, उसके साथ मतलब मजाक ना करें, तमाशा ना बनाएं। अगर आपको कलर दिए गए हैं, हमारे संस्कृति के अंदर माथे को लगाया जाता है और आप किसी गुरु का नाम लेते हैं तो कानों को हाथ लगाया जाता है। हमारी संस्कृति में, हमारे शिष्टाचार में, हमारे संस्कारों में ये समझाया गया है कि
जिस चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हमारे विश्वकर्मा जी के जब दिन होता है उसमें टूल्स की भी पूजा होती है, तो हम उन चीजों की पूजा करते हैं, मगर कुछ तमाशा करने वाले लोग उनको लात से कलर को ठोकर मारकर कलर गिराकर कुछ बना रहे हैं और फेंक कर कलर से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रूप देकर वो बेचने का कोई नया रूप बनाना चाहते हैं, तो वो मैं कहूँगा तमाशा है एक तरह का। मगर मॉडर्न आर्ट अपने आप में एक रूप रखती है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न आर्ट का कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई कलर नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके भी कलर है, उनकी भी मिक्सिंग है, उनकी भी थ्योरी है, उनके भी लाइंस हैं, उनके भी स्ट्रोक्स हैं, उनके भी कलर मिक्सिंग है, उनके भी टूल्स हैं। अगर ये चीजें अगर लोगों को नहीं पता, जैसे अगर मैं कहूँगा कि मैं लाल कलर यूज कर रहा हूँ तो अग्रेशन के लिए, क्रोध के लिए, या एक दिल्ली पुलिस का आपने साइन देखा हो या किसी पुलिस का साइन देखा होगा, वो रेड और ब्लू होता है, तो हाँ। वो ये नहीं है कि वो डेंजर है, वो सिक्योरिटी है, वो स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए भय नहीं है, वो आपका सपोर्टिव है। वो दोनों कलर इसलिए यूज किए जाते हैं, ब्लू और रेड। तो अगर हम किसी कलर का प्रयोग कर रहे हैं, अगर मॉडर्न आर्ट भी है, तो उसमें भी हमने अपनी फीलिंग्स को बताया है कि इसमें मैंने क्या बनाने की कोशिश की है, मगर कुछ तमाशबीन उसको तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं और वो लोगों को हाँ मजाक बना देते हैं। तो मैं कहूंगा कि वो अपनी दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति है और वो उस तरह से दुकान चलाने की कोशिश कर रहा है, वो कलाकार नहीं, मैं कहूंगा उन लोगों को। अगर कलाकार है तो उसे हर चीज की समझ होगी और वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, और वो जो बनाएगा उसको भी मतलब उसके पीछे उसके भाव होंगे, उसकी एक कथा होगी और पूरी एक्सपीरियंस होगा, उसकी कहानी होगी, उसकी फीलिंग्स होगी। मैं कहता हूँ लिखते लिखते शायद वो कविता भी लिख दे उसकी मॉडर्न आर्ट के पीछे। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि मॉडर्न आर्ट कोई भी बना लेता है, कुछ भी कर लेता है। हाँ, मैं कहूंगा मॉडर्न आर्ट एक तरह से अपने पाब्लो पिकासो जी भी करते थे, वो लाइन्स और शेप्स पे काम करते थे, 2D पे काम करते थे, जो कि कई बार विवाद भी हुआ है हमारी मोनालिसा पेंटिंग और पाब्लो पिकासो के बात पे भी, कि वो कहते हैं मैं जिस तरह से देखता हूँ उस तरह की दुनिया है, वो उस तरह की पेंटिंग्स किया करते थे। और जो हमारे विंची सर थे, लियोनार्डो द विंची, वो रियलिस्टिक पे काम करते थे, वास्तविक दुनिया है कैसी और वो दिखती कैसे, हमारी आंखों से कैसी दिखती है, वो है कैसी और उसे हम पेपर पे कैसे उतार सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट का सबका अपना एक मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठे और वो कर दे। हाँ, मगर मैं एक तरह से ये कहना चाहूंगा कि कई जगह, किसी किसी जगह हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अगर उससे कोई चीज बना रहा है और वो नहीं बन रही है और गलत बन रही है, तो हम उसे कहते हैं नहीं बेटा तुमने अच्छा किया है, मास्टरपीस बनाया है, ये तो मॉडर्न आर्ट है बेटा, आप इसको आगे कर सकते हो। तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करें तो हम सही कर रहे हैं। मगर अगर हम कहें कि कलर फेंक के और उसका कुछ आकार बन रहा है उसे मॉडर्न आर्ट कहें, तो शायद वो हमारे लिए गलत होगा। हम उसकी मैं कहूंगा एक तरह से तौहीन करेंगे उस कला की। जी जी प्रदीप जी, जैसे कि अलग अलग प्रकार की विधाएं होती हैं चित्रकारी में और मूर्ति कला में भी, जैसे जैन शैली हुई, पाल शैली हुई, मधुबनी शैली हुई, जयपुर शैली हुई, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह की पेंटिंग्स अपने अपने क्षेत्र पर बनाते रहे हैं, तो इनमें से कौन से वाले पेंटिंग्स आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं और जो आप आपको लगता है कि मैं ये सीख नहीं पाया लेकिन मुझे ये बनाना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ कभी आपके जीवन में? देखिए, मैं कहूँगा कि भारत का इतिहास संस्कृति और कला से भरा हुआ है, बिना इसके तो भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में बहुत सी कलाएं हैं, उनमें से मैं कहूँगा कि अगर मैं सीख पाऊँ तो शायद मैं पूरी भी नहीं कर पाऊँगा, इतनी कलाएं हैं। और मैं एक प्रसिद्ध कलाकार के पास गया और उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, तो उनसे मैंने सबसे पहले यही बात की कि कितनी तरह की कलाएं हैं ताकि मैं उस दायरे को समझ सकूं और मैं वहां तक पहुंच सकूं। देखो, अगर आपको पता है कि आपका घर इतने किलोमीटर पे है तो आप पहुंच जाएंगे, अगर आपको नहीं पता कि आपका घर कितने किलोमीटर पे है तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और फिर किसी से सहायता लेंगे। तो मैंने अपने आप को एक दायरे के लिए तैयार करने की कोशिश की, मगर उन कलाकार ने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि प्रदीप, आर्ट जो है, जो कला है, वो हर कुछ कदम पर बदल जाती है, क्योंकि हर आदमी की जैसे हैंडराइटिंग है वो बदलती है, ऐसे स्ट्रोक्स बदल जाते हैं, ऐसे हैंडराइटिंग के साथ साथ एटमॉस्फेयर बदलता है, उनकी संस्कृति बदलती है, उनकी भाषाएं बदलती हैं,
उनकी सोच बदलती है। जब ये सारी चीज धीरे धीरे बदलती जाती है तो हर कदम पर एक नया कला का रूप ले लेती है। और आप जितने भी कलाकारों से मिलोगे उनका अपना एक अनुभव होता है, उस अनुभव और उस कला और उस प्राचीन काल से चली हुई प्रथाओं को अगर हम देखते हैं तो कला एक नया रूप ले लेती है। तो अगर हम कहें कि हम भारत की संस्कृति में कुछ कलाएं हैं जिनको हम जानते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो नोटिफाई हो चुकी है, उनको एक दर्जा मिल चुका है, उनको दर्ज किया जा चुका है। मगर हम किसी कला को दर्ज नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम कहें तो लाखों तरह की कलाएं, लाखों हजारों तरह की कलाएं हैं जो कि हम दर्ज नहीं कर सकते, मगर हमने जितनी कलाओं को दर्ज किया है, जितनी कलाओं को भारत में हमने सीमित किया है या भारत के बाहर अलग देशों में हमने सीमित किया है, उन कलाओं को अगर मैं सीखना चाहूँ तो मेरे लिए ये जीवन शायद छोटा पड़ जाए और मुझे और जीवन लेने पड़ेंगे उन कलाओं को सीखने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए। और सीख लेना मतलब, कई बार क्या होता है, एक टीचर क्या करता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन देता है किसी आर्ट का। जैसे आप स्कूल में गए, आपको एक आर्ट के बारे में बताया गया, उस टीचर को एक आर्ट फॉर्म ने उसने इंट्रोडक्शन दिया, मगर हकीकत में जो उस आर्ट हिस्ट्री को जिन्होंने फील करके बनाया, उस आर्ट हिस्ट्री को फील करके जो बनाना होता है, वो मैं कहूंगा कि शायद मेरे कई जन्म भी छोटे बढ़ जाएंगे उसके लिए। तो मैं जिस जिस कला को सीख पाता हूँ तो मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में ही मधुबनी और लिपन आर्ट का प्रयोग किया था, तो मैं कहूंगा कि मैं वहां पर सिर्फ थोड़ा बहुत ही जान पाया। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किताबों में जितनी हिस्ट्री मुझे पढ़ने को मिली या जितनी लोगों से बात करने के बाद मुझे उसके बारे में पता लगा, जैसे मैं आपसे एक अपना फीलिंग शेयर करना चाहूँगा कि मैं बहुत से प्रतियोगिताओं की, कला की प्रतियोगिताओं में जज नियुक्त किया गया, उन्होंने मुझे ये सौंपा गया था, मुझे वहाँ पे जजमेंट के लिए दिया गया। तो हमारे भारत में कला उत्सव होता है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो उसमें भी मुझे जज बनाया गया। तो मैंने वहां देखा कि जितने तरह की लोग थे, जितने तरह की सोच थी, जितने स्टेट से लोग आ रहे थे, उन सब की जो आर्ट फॉर्म थी वो अलग थी। एक आर्ट फॉर्म है, सिर्फ एक आर्ट फॉर्म है, मैंने देखी, उसके अंदर भी इतनी वैरायटीज उन्होंने डाली है, अपने एक्सपीरियंस, अपने जो अनुभव है उसके अंदर डाले, उनके टीचर्स के अनुभव है जो उसमें डाले, तो एक नया ही रूप बन जाता है उस कला का। तो मैंने कालीघाट पेंटिंग करके है, मैंने भी खुद उस पर रिसर्च किया था कालीघाट पेंटिंग के ऊपर। तो कलकत्ता में जिस तरह की कालीघाट के ऊपर पेंटिंग बनती है, तो वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी बनती है। तो जैमिनी रॉय ने उसको, उन आर्ट को, जैमिनी रॉय जी ने, माफी चाहूंगा, जैमिनी रॉय सर ने भी उनके अंदर जो आर्ट फॉर्म को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उन्होंने उसके अंदर स्ट्रोक्स और कलर्स को चेंज कर दिया। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट आ रही थी कालीघाट, वो जैमिनी रॉय जी ने उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन कर दिया, उनके अंदर वो स्ट्रोक्स, उसके अंदर वो कलर, वो उसके अंदर वो भाव जो थे वो बदले गए। तो जो मॉडर्नाइजेशन उसके अंदर पेंटिंग के अंदर आया, ट्रेडिशनल पेंटिंग के अंदर, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, पद्मश्री अवार्ड मिला हमारे जैमिनी रॉय सर को। तो जो अनुभव मैं कहूंगा कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सारी पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, बहुत सारी पेंटिंग करना भी चाहता हूँ, और मैं जितना मुझे मौका मिलता है, जितना मुझे एक दिन में, मैं कहूँगा 24 घंटे मेरे लिए कम है, मैं कई बार रात को 3 बजे पेंटिंग कर रहा हूँ, कई बार रात को करते करते सुबह 6 बजे तक पेंटिंग कर रहा हूँ, फिर मैं अगले अपने रेगुलर रूटीन के लिए जो कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ उसके लिए तैयार होता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे पास वो 24 घंटे जो है ना, वो बहुत कम है, बहुत कम है किसी भी आर्ट को सीखने के लिए। किसी भी फॉर्म के अंदर जब मैं जाता हूँ, आर्ट फॉर्म के अंदर जब जाता हूँ, तो मुझे लगता है मैं उस दुनिया के अंदर खो गया हूँ, वहाँ के जो हिस्ट्री पढ़ रहा होता हूँ तो उस हिस्ट्री के अंदर खो गया हूँ। जब आप किसी गाने, मैं कहूंगा कि जब आप किसी गाने को सुनते हो तो आपकी वो फीलिंग सेम होती है, तभी आप उस गाने को पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि आप हर एक गाने को पसंद करते हैं, आप हर एक गाने को सुनना चाहते हैं और हर एक गाने के आप बहुत ज्यादा टच में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई किशोर को पसंद करता है, कोई मुकेश को पसंद करता है, कोई आजकल के संगीतकारों को पसंद करता है, कोई सोनू निगम जी को पसंद करता है। तो ये जब जो सारे सिंगर्स हैं वो उनकी फीलिंग्स को, उनके जो सॉन्ग्स को टच करते हैं, तब वो उनको सुनना चाहते हैं। ऐसे ही पेंटिंग भी है, पेंटिंग भी जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसके अंदर जब तक नहीं इन्वॉल्व होता हूँ, उस हिस्ट्री के अंदर, उस टाइम के अंदर, जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं होता, अपनी फीलिंग्स नहीं लेके आता हूँ, तब तक शायद मैं उसको मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो मैं मुझे कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं किसी किसी थ्योरी को पढ़ने के लिए, और जब मैं किसी बच्चों से शेयर करता हूँ, अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, तो वो भी उसी तरह सुनने के लिए
जागरूक होते हैं कि हाँ भाई मुझे तो सुनना है, सर की बात सुननी है, सर ने जो बोला। कई कई आर्ट लग जाते हैं हम, जब मैं एक लेक्चर दे रहा होता हूँ, पहले मैं सिर्फ स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करता था जो कि स्टेट लेवल लेके आए, नेशनल लेवल लेके आए, अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। जैसे मेरी यूएस में क्लास होती है, मेरी हांगकांग में क्लास होती है। हाँ जी, तो हांगकांग में भी मैं इंडियन आर्ट को, और यूएस में भी मैं इंडियन आर्ट को, अभी भी मेरी इस वक्त ना यूएस की क्लास थी जो मैंने पोस्टपोन की है, तो उनके जो टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है इस टाइम पे उन बच्चों का, तो मेरे लिए वो कंफर्टेबल टाइम है कि वो मेरे लिए लेट इवनिंग है, तो मैं 8:30 के बाद 9:30 बजे तक मैं यूएस की क्लासेस ले रहा होता हूँ। तो यूएसए के अंदर जो क्लासेस लेता हूँ उनको भी मैं इसी तरह से इंडियन आर्ट के बारे में बताता हूँ, तो वो लोग भी मतलब समझ पाते हैं कि इंडियन आर्ट में स्टडी और बेस है क्या। मतलब ये नहीं है कि कुछ भी किसी ने कह दिया वो काल्पनिक नहीं है, हकीकत में हर चीज के पीछे एक कहानी या कहो कि सत्य है या कथा है, वो सब उसके पीछे है, तभी हम किसी को सिखा पाते हैं या सीख पाते हैं। तो मैं अभी भी ये कहना चाहूंगा आपके शब्दों में कि मैं शायद पूरी कला नहीं सीख सकता या संपूर्ण नहीं बन सकता या मैं विश्वकर्मा नहीं बन सकता। मेरे लिए मुझे लगता है मेरे को बहुत जन्म चाहिए, जो साधना जो करने के लिए मुझे उस कला को समझने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए, बहुत। मुझे क्या, मैं कहूंगा कि जब मैं इतना पढ़ता हूँ सोचता हूँ तो सबको सबको सारी कलाएं सीखने में बहुत समय लगेगा जी। और एक एक वृहद संसार है, माने चित्रकारी का अगर आप लें या मूर्तिकला का आप लें या दूसरे भी जितनी भी विधाएं हैं, हर क्षेत्र में वृहद है और उसको सीखने में शायद ये उम्र कम पड़ जाएगी। प्रदीप जी, हाँ। आपने ये जो चित्रकारी जो है ये परंपरागत रूप से सीखी है या फिर शौकिया तौर पे आपने इसे शुरू किया? देखिए, मैं कहूंगा कि मेरे परिवार जो है वो कला से शायद बहुत दूर है। मेरे पिता दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, मेरे जो पापा के जो छोटे भाई हैं वो भी दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं, मेरे पापा के जो दो बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जी जो लगते हैं, वो दोनों भाई डिफेंस में फौज में थे। मेरे जो अगर मैं मम्मी के घर से कहूँ तो वो भी सारे आर्मी नेवी BSF में है। मैं ही इस घर के अंदर हूँ जो कि ये कला कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं जितना भी कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा स्ट्रगल का मतलब क्या है, स्ट्रगल क्या है? कि स्ट्रगल ये है कि आपको एक काम मिला है, वो काम कर रहे हो, उस काम को करते करते आपको बहुत टाइम लग रहा है और करते करते आप वहां तक पहुंच के वो स्ट्रगल है। तो कहता हाँ मैं तो यही कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ये स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल ये है कि एक नौका आप चला रहे हो, दिशा विपरीत से आपके पास हवा आ रही है और आप दिशा हवा को चीरने की कोशिश कर रहे हो और उस तरफ आप जा रहे हो, तो वो स्ट्रगल है लाइफ का। तो आपने अभी तक स्ट्रगल नहीं किया, स्ट्रगल जो है वो मैं कहूंगा ये है कि आप दिशा के विपरीत जा रहे हैं, और वो मैं था। स्ट्रगल मैंने किया, मेरे माता पिता को लगता था कि ब्रिलियंट लड़का है जी, इंजीनियरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ले तो शायद इसका कैरियर बन जाएगा, आगे जाके ये फ्यूचर सिक्योर कर लेगा। और उनका जो सोचना था, मैं कहूँगा वो अपनी सोच में शायद बहुत सही थे, अपने समय में वो सोचते थे कि इंजीनियर ही सब कुछ होता है। शायद उनके समय में इस तरह से इंजीनियर की इतनी वैल्यू थी, इतनी रिस्पेक्ट थी। मैं कहूँगा उन्होंने कहा और मेरा जो ड्यूटी थी, मेरा जो फर्ज था, मैंने किया। मैंने क्या किया कि साइड बाय साइड पेंटिंग सीख रहा हूँ, अपने डिप्लोमा कोर्सेज कर रहा हूँ, मैं अपने पापा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग भी की, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसमें भी 73% आए, 3rd रैंक आया मेरा। मैंने पूरी कोशिश की अपने पिता की खुशियों को पूरा करने, उनके सपने को पूरा करने के लिए, मगर मैं कहीं अपनी इच्छाओं को भी नहीं मारना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं वो भी साथ साथ करूँ, कि मैं अगर मैं अपने पिता को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मेरा भी जो अपने आप को सुनना जरूरी है, अपना अपनी दिल को सुनना जरूरी है। अगर मैं अपनी बात को नहीं सुन पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा तो मैं शायद नहीं समझा पाऊंगा किसी को भी कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने जैसे उनकी बात सुनी वैसे मैंने अपनी पेंटिंग भी साथ साथ की, तो मैंने पेंटिंग साथ साथ की। तो मेरे लिए स्ट्रगल था कि मेरे लिए डेली रूटीन था मेरा, मेरा एक्सरसाइज करना, मेरी स्टडी करना, मेरी इंजीनियरिंग के लिए टाइम देना, प्लस मुझे पेंटिंग को भी टाइम देना। तो जहां मैं थकता था, एक बार मेरे पिता से मुझे मैं कहूँगा सुनने को बहुत ज्यादा मिला, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे और मैं ऐश्वर्या राय जी का पोर्ट्रेट बना रहा था। रात को इतनी सुंदर लड़की की अगर आप तस्वीर बनाते हैं तो किसी भी पिता को लगता है कि ये दिशाहीन हो रहा है, कि ये अपने कि ये रात को 2-3 बजे अपने एग्जाम की तैयारी ना करके, अपनी इलेक्ट्रिकल की तैयारी ना करके,
अगर ये शौकिया तौर पे किसी पूरा कर रहा है शौक। खूबसूरत लड़की की हाँ शौक पूरा कर रहा है तो ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने मुझे काफी देर तक समझाया, मुझे बताया, मगर मैं उस वक्त ये नहीं बता पाया कि मैं काफी देर पढ़ चुका था और थक चुका था। और थकने के बाद मैं अपने आप को दोबारा से उस मूड में लाने के लिए कि मैं पढ़ूं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, मैं दोबारा से वो वर्क कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था। और ये मेरे लिए मैं कहूंगा माध्यम था एक कि मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूं और थकूं नहीं। कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते आपके मोस्ट मैं कहूंगा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किताब उठाते ही बस उनके लिए आंखें बंद होनी शुरू होती हैं। तो यहाँ मुझे आंखें खुली रखनी थी काफी देर तक, इसलिए मैं अपनी आंखें खुली रखने के लिए आर्ट का प्रयोग करता था। जहाँ उसका प्रयोग कर रहा था वहां वो मेरा साथी बनता जा रहा था, धीरे धीरे वो मेरे अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा था। जब मुझे लग रहा था कि मेरे को मुश्किल समय है और आज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मैं जो चीज सॉल्व करना चाहता हूँ, जो फार्मूला मैं बनाना चाहता हूँ, या मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ, एक मोटर थी क्रॉम्पटन ग्रीस की जो मैंने ओपन कर दी थी और उसके सारे वायर्स को, ओरिजिनल वायर्स को काट के मैंने रीबिल्ड करने की कोशिश की थी। तो क्या हुआ कि वो मैंने 3 बार बनाने की कोशिश की और तीनों बार ब्लास्ट ही हुआ था काफी ज्यादा। तो मेरे सर ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी मजाक भी उड़ाई थी कि 3 फेस मोटर थी, 2800 आरपीएम की वो मोटर थी, मैं उसको ठीक कर रहा था और उसको रिपेयर करके दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने गलती ये की थी कि उसका मैप नहीं बनाया, मैप रखा भी नहीं अपने पास। उस मैप उसको मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने सारा ही काटा जानबूझ के कि मैं कुछ गलत करके सीखना चाहता हूँ। उस तनाव से निकलने के लिए भी मैंने अपने आर्ट को प्रयोग में लाया, मैंने अपनी पेंटिंग्स को किया। मैं जब भी स्ट्रेस में आता था कि यार आज नहीं हो रहा मेरे से मोटर वाइंडिंग का, वो प्रॉपर काम नहीं हो रहा, वो मैप नहीं बन रहा, वो पूरी गेजेस नहीं मेजरमेंट हो रहे, तो मैं पेंटिंग की तरफ चला जाता था। कुछ देर पेंटिंग करने के बाद मैं जब रिलैक्स होता था तो मुझे लगता था चलो अब वापस चलते हैं, वो एनर्जी मुझे वापस मिलती थी। तब मैंने देखा कि ये तो मेरा सबसे अच्छा साथी है, मुझे लगता है कि मुझे इनको ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे आपके घर में अगर आपके साथी आपको पूरी सपोर्ट करते हैं, आपके हर वक्त आपके साथ रहते हैं, जब भी आपको मुश्किलें पड़ती हैं तो आपका एक लगाव उनके साथ बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसे ही हाँ पेंटिंग के साथ मेरा लगाव बढ़ना शुरू हो गया। और होते 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 जब मुझे लगा कि अब मेरा जो जीवन साथी है वो सिर्फ मेरी पेंटिंग्स हैं जो मुझे पूर्ण रूप से मेरा साथ देंगी, मेरी हर मुश्किल में साथ देंगी, और उन्होंने ही मेरा साथ दिया। मैं कहूंगा कि इस मुकाम तक लाने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए, इस मंच तक मुझे पहुंचाने के लिए, कहीं भी मैं कहूंगा उन्हीं का हाथ है। कि इंजीनियरिंग को मैं शायद कहीं मैं बोल भी नहीं पाता हूँ और बताता हूँ तो लोग सुन के हंस भी लेते हैं कि अच्छा ये भी किया आपने। तो कहीं मैं कहूंगा कि आपकी शिक्षा के साथ साथ आपकी कला की जो जरूरी है, और जब तक अगर आपके पास कोई कला नहीं है तो मैं कहूंगा कि आपकी जिंदगी में तनाव उतना ही भरा हुआ है, आप उतने ही परेशान दिखेंगे। आप खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन सकते हैं, मगर आप मोटिवेट हो नहीं सकते। आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपके अंदर किसी ना किसी तरह की कोई कला होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो। बच्चे मैं कहूंगा आजकल के युग में तो लिखना ही भूल गए हैं, सब चैटिंग करना चाहते हैं, लिखते लिखते ही किताबों को ही, मतलब मैं लग रहा धीरे धीरे रूप ही बदल जाएंगे, सारे डिजिटलाइजेशन हो जाएगा सारा का सारा। जो बच्चों के बिल्कुल अंदर राइटिंग हैबिट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जो सोचने की क्षमता है वो मैं कहूंगा बहुत कम हो जाएगी। मैंने जहाँ एक मीम पढ़ा था कि भगवान मैं सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे अंदर पेशेंस दे दो, बहुत ज्यादा पेशेंस दे दो मगर जल्दी दे दो, अब उसके हाँ अंदर पेशेंस लाने की भी क्षमता नहीं है कि वो रुक सके उसके लिए। तो वो सही है कि आज के युग में बच्चों के अंदर वो पेशेंस नहीं है। मेरी पेंटिंग जब मैं बना रहा होता हूँ तो कई बार 6 महीने लग जाते हैं, कई बार साल लग जाते हैं, और कई कई साल तक उस पर मैं काम कर रहा होता हूँ, तब जाके वो लाखों की पेंटिंग बिकती है। तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये तो करने हफ्ते भर में बना दिया, महीने में बना दिया, किसी को ये नहीं पता कि मैंने कितने टाइम दिया उस पेंटिंग को। तो बच्चों में आजकल के अंदर इतने पेशेंस नहीं है, मैं देख रहा हूँ उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कलर्स के ऊपर साथ खेलते हैं कि वो जल्दी कुछ मिले। मगर जितना डिटेल्ड वर्क, रियलिस्टिक वर्क, जिसे मैं कह रहा था, रियलिस्टिक वर्क करने के लिए जितना आपके अंदर संयम चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो आजकल के युग में हमें कम देखने को मिलते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं मेरे, जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से सीखा, 6 साल 7 साल तक सीखा, कोर्स पूरा किया, वो आज खुद टीचर्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर टीचर हैं। और वो जब पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर वो जो जैसे मेरे अंदर गुण था कि मैं जो शेयर कर रहा हूँ अपनी पेंटिंग्स के नॉलेज को, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी उसी तरह सिखाएं किसी को, इतना कुछ सीख जाए मेरे से। यही हुआ कि वो भी टीचर बने, उन्होंने इतना कुछ सीखा कि वो औरों को सिखा सकते हैं।
अब वो जो बच्चे उनसे सीख रहे हैं वो भी ये प्रभावित हैं कि हाँ हम भी किसी को अगर पेंटिंग सिखाएं और बेसिक से सिखाएं तो हम भी सिखा सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। तो जो एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी है ना कि आपको पता है कि हाँ इसका ये तरीका है और इस तरह से होती है और मैं ये करूंगा तो हो जाएगा, तो रिजल्ट जब आता है आपके सामने तो आप देखते हैं कि हाँ रिजल्ट भी आ रहा है और हम कर भी पा रहे हैं, तो हम सिखा भी सकते हैं और हम सीख भी सकते हैं और हम कर भी सकते हैं। जो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस मेरे स्टूडेंट्स में मुझे देखने को मिलता है। और तभी वो पहले मुझे लगता था कि जोनल जीत जाए वो भी बड़ी बात है, वो जोनल बड़े आराम से जीते, फिर मैंने देखा जोनल से वो सेंटर लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे तो उन्होंने वो भी जीता, फिर डिस्ट्रिक्ट से बाद वो स्टेट लेवल पे जाते हैं, जिस स्टेट से वो नेशनल लेवल पे जीतते हैं, नेशनल लेवल के बाद वो इंटरनेशनल लेवल जीता उन बच्चों ने। तो कहीं मुझे लगा कि कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिलता है एक टीचर को कि जो मैंने सिखाया है, जो मैंने बच्चे को बताया है, वो बच्चे ने सही ढंग से सीखा है, समझा है, और उसके बाद वो जब करता है तो उसको भी वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे इस तक हद तक सक्षम बना दिया है। मैं छोटे बच्चे को कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कार बनाओ, तुम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बिल्डिंग्स बनाओ, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फेसेस बनाओ, वो एक आपको सिर्फ अपनी जो टॉपिक दिया गया है कॉम्पिटिशन के अंदर उसे क्लियर करना है। जैसे मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा, उसमें क्या था, एक बच्चे को ट्रैफिक सीन मिला। ट्रैफिक सीन अगर एक बच्चे को मिलता है तो बच्चा वैसे डर जाता है कि मुझे 3D कार बनानी पड़ेगी, बहुत सारी बनानी पड़ेंगी और एक के बाद एक ओवरलैप्ड बनानी पड़ेंगी, साथ में बिल्डिंग्स भी हों और उसमें लोग भी बैठे हों जो गाड़ी चला रहे हों, जाम में फंसे हैं तो कुछ उतरे हुए भी हैं, तो माफी चाहूंगा। उस वक्त एक बच्चा कहता है कि मैं कॉम्पिटिशन टाइम पीरियड के अंदर कैसे कम्प्लीट करूँ, तो मैंने एक बच्चे को बताया था कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ गाड़ी को ही बनाओ, आपने जो देखा है जैसा आपको दिखता है वो बनाओ। तो उस बच्चे ने रात का एक सीन बनाया, रात के सीन में बहुत सारी लाइट्स दिखती हैं और लाइट्स कैसी दिखती हैं, या तो स्टार फॉर्म में या सिर्फ सर्कल, आप धुंधली धुंधली अगर बिजली आपको दिख रही है, लाइट दिख रही है, तो सिर्फ सर्कल फॉर्म दिखती है आपको। उसने बहुत सारे कलरफुल सर्कल्स बनाए और उसके अंदर पूरी शीट ब्लैक कर दी, तो रात के अंदर जिस तरह जो लाइट दिख रही है वो सिर्फ सर्कल्स में दिख रही है। और उस बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला, तो वो जज ने उनको बुलाया कि आपको ये समझाया किसने, तो जब उसने मेरा स्टेज पे नाम लिया तो जहां मुझे लगता है कि मेरे लिए वो एक सम्मान की बात थी कि वहां पर जिस बच्चे ने मेरे से सीखा, ऐसे ही अलग अलग स्टेट पे जब बच्चों ने मेरा नाम लिया तो इन्हीं जो प्रोग्रेसेस हैं मेरे बच्चों की, जो प्राइजेस हैं, इन्होंने मुझे जज लेवल तक पहुँचाया, उनके काम ने मुझे जज लेवल तक पहुंचाया। कला उत्सव में मेरे बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज मेरे स्टूडेंट्स के थे क्योंकि वो अलग अलग स्कूल के थे, उन बच्चों को मैं सिखा रहा था, तो जब वो सिखा रहा था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जब नाम लिया गया तो उन्होंने पूछा कि किस टीचर से सीखा है, तो मुझे लगा कि वहां पर किसी जगह पर बच्चा एक डर से अपने स्कूल टीचर का नाम ले लेता है, मगर वहां पर जब मेरा नाम लिया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उन बच्चों ने बोला भी कि हमने लगता है कि सही ढंग से जो सीखा है वो प्रदीप मान सर से सीखा है। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया और उसके बाद जब मुझे एक प्रपोजल लेटर भी मिला कि अगली बार आप हमारे यहाँ पर जज का योगदान देंगे, आप यहाँ पे जज बन के आइएगा इस कला उत्सव में, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हाँ मैं जो चाहता था कि बच्चों को सिखाऊं सही ढंग से, वो सिखा पाया और उन बच्चों को वहां तक पहुंचा पाया। उन बच्चों को मतलब बेसिकली आज की डेट में ना आर्ट जो है हमारी वो कहीं पैसों से रिलेटेड हो गई है या आपकी फीलिंग्स से कहीं हद तक कम हो गई है। मैं कहूंगा कि जब मेरी पेंटिंग कुछ सैकड़ों में बिकती थी जो शायद कुछ ही लोग मुझे जानते थे, गिने चुने लोग मुझे जानते थे, मगर जब मेरी पेंटिंग लाखों में बिकने लगी तो कुछ लोग मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने लग गए कि ये वो मानसर है जिनकी पेंटिंग लाखों में बिकती है, हाँ प्रसिद्ध हो गया। तो वहां उन्होंने मुझे लगता है कि कहीं अमाउंट ऑफ पेंटिंग के अमाउंट है ना उनसे तोलना शुरू किया मुझे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मैं मुझे वो मेरी कला से मुझे मान से तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती, जहाँ सभी ने जहाँ भी मुझे लोग मिले उन्होंने ये कहा इनकी लाखों में पेंटिंग बिकती है, इनकी लाखों में पेंटिंग बिकती है, तो मुझे लगा कि शायद उस अमाउंट के ऊपर मुझे काउंट किया जा रहा है। जब मैं करोड़ों में हो जाऊंगा तो शायद मैं और प्रसिद्ध हो जाऊंगा, जब मैं अरबों में हो जाऊंगा तो शायद मुझे लोग ऐसे सोचेंगे कि ये तो पता नहीं क्या भगवान ही है शायद। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आर्ट फॉर्म से पहचाना जाए। आप विलेजर्स को देखो, गाँव में जब वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, जो रिलैक्स होकर पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसमें पूरा डिवोट होके जो पेंटिंग कर रहे होते हैं, आप उनकी देखना क्या वो आर्ट नहीं है, वो डिवोशन नहीं है, वो पेंटिंग नहीं है, मगर हम उन्हें ना विलेजर्स की तरह कह के या एक
ट्रेडिशनल फोक आर्ट कह के उन्हें सिर्फ सम्मानित कर देते हैं, एक छोटा सा सम्मान दे देते हैं, मगर अपने मन में जो जगह दिला होता है वो जगह पूरी तरह से नहीं दे पाते। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह कहता हूँ कि आप जब पेंटिंग करो तो पूरी डिवोशन से करो, मगर सामने वाले को भी समझो कि वो क्या चाहता है, उसकी तरह समझ के करो, आजकल के युग की युग को समझ के चलो। ये नहीं कि बैकवर्ड ही चलते जा रहे हो, उसी स्ट्रोक को प्रैक्टिस करते जा रहे हो, पुराने जमाने की पेंटिंग को भी करते जा रहे हो और उसी को रिपीट करते जा रहे हो, कॉपी करते जा रहे हो। नहीं, अपनी फॉर्म डालो, अपनी फीलिंग्स डालो, अपने एक्सपीरियंसेस डालो, आप जो सीख रहे हो उससे कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश करो, मगर उसी दायरे में करने की कोशिश करो। अगर आप कुछ अलग करना भी चाहते हो तो उसको रिस्पेक्ट भी दो, तब जाके बच्चे कुछ बनते हैं और इस हद तक पहुंचते हैं। अभी मैंने अपने एक स्टूडेंट को 7th क्लास से पढ़ाया तो वो अब टीचर है। ऐसे ही मैंने अभी 5th क्लास तक से पढ़ा रहा था एक बच्चे को, तो उसका कहा था कि सर मुझे कुछ ऐसा बनना है कि लोग मतलब कहें कि हाँ मैंने कुछ किया है आपसे सीख के। तो मैंने उसके ऊपर खुद पढ़ाई की, मैंने उसके बारे में खुद रिसर्च किया, तो पता चला कि IIT की जो संस्था है, लोग सोचते थे कि सिर्फ इंजीनियरिंग होती है, शायद आप भी जानते हो इस बात को, कि उसमें कला का भी एक क्षेत्र है, उसमें पेंटिंग का भी एक पार्ट है, उसके अंदर एक पार्ट है IIT के अंदर। तो IIT की कुछ 3 संस्थाएं मैं कहूंगा कि मुंबई में, बेंगलोर में और गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी में सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो मैंने उस बच्चे को पूरी डिटेल से बताया कि अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको कैरियर के लिए ये एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जाना पड़ेगा। तो NIFT भी उसका एक पार्ट है, NID भी उसका एक पार्ट है, फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको जितने कोर्सेज मिलते हैं, या फिर पेंटिंग के अंदर कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर आपको जाना होता है, या किस तरह की एजुकेशन आप ले सकते हैं, तो उसको उसके लिए तैयार किया। तो वो बच्चा 300 रैंक आया उसका, IIT मुंबई के अंदर सेलेक्ट हुआ वो बच्चा मानस चावला, और वो अपने स्कूल के अंदर हाईलाइट किया गया कि इस बच्चे ने इसके अंदर सिलेक्शन किया है, इसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उस बच्चे के, और उसको स्कॉलरशिप्स भी मिली बहुत सारी। तो वो बच्चा कहीं जाके सेटिस्फाई हुआ कि मैंने एक जिस टीचर से सीखा, जिस अध्यापक ने मुझे ये ज्ञान दिया, वो मेरे लिए जो जीवन का जरिया बन गया, जिंदगी का जरिया, या मेरे मतलब अर्निंग सोर्स हो गया वो पूरा, ठीक है। तो वो उसको सेटिस्फेक्शन देने में मुझे लगता है कितने सारे साल लग चुके हैं मुझे। वो 5th क्लास से आया था, 12th क्लास तक मैंने उसे पढ़ाया। अब कई लोग तो सिर्फ मुझसे कहते हैं जी 1 महीना हो गया जी, आपने बच्चे को क्या कराया जरा बताना जरा। अब मैंने इतने साल लगा दिए रियाज करने में जिस पेंटिंग को, उसमें उस बच्चे को कुछ क्षणों में सिखा दूं, कुछ हफ्तों में सिखा दूं, तो ये शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये तो मैं कहूंगा कि आपने कहा कि मैंने 1 साल का खाना 1 दिन में खा लिया, 1 हफ्ते का खाना, 1 महीने का खाना 1 दिन में खा लिया वाली बात हो जाए, जब जितनी पॉसिबल है ही नहीं, तभी उतना खा सकता है इंसान जी। उतना ही जरूरत भी, और जितना शरीर उसका अलाउ करेगा, जितनी उसकी क्षमता है जी। प्रदीप जी, अभी राजेश्री राठौर जी एक प्रश्न पूछ रही थी आपसे कि ये मूर्ति कला दिनों दिन इसकी जो रुचि है लोगों की, अभी रुचि इसमें कम होती चली जा रही है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं कहूंगा कि कैसे बच्चों के अंदर कैसे आर्टिस्ट को हम इंस्पिरेशन दें उसके लिए। हाँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। देखो, इंस्पिरेशन यही है कि आज की डेट में हर चीज को वो फीलिंग्स और कला से नहीं जोड़ रहे, वो सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ रहे हैं। जहाँ वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हैं, तो अगर मैं कहूँ तो देखो, हमारी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पेंटिंग अभी बनी है यूनिटी, तो उसके अंदर भी देखो कितने बड़ा काम किया गया, वो विश्व स्तरीय काम किया उसके अंदर। तो मूर्ति कला कहीं इस रूप तक पहुंचाने के लिए हमारी जो जड़, जो बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा। मगर वो स्टार्टिंग से जो स्कूल के अंदर, अगर मैं कहूँ कि स्कल्पचरिस्ट जो होते हैं, उनको भी पूरी तरह से सिखाने का पूरा मौका नहीं दिया जा सकता, या उनको पूरा वो एटमोसफेयर नहीं मिलता। कहीं जाके बच्चे को कॉलेज में ही वो चांस मिलता है कि मैं स्कल्पचर्स बनाऊं, मैं उसके ऊपर काम करूं, मगर वहां तक एक बच्चा बन चुका होता है, उसका दिमाग, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति, वो बन चुकी होती है। अगर हम शुरुआत से जैसे शुरू करें, मैंने कई जगह देखा है, अलग अलग कंट्रीज में आर्ट स्कूल होते हैं, आर्ट कॉलेज नहीं होते। हमारे भारत में आर्ट कॉलेजेस हैं, आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, आर्ट स्कूल्स नहीं है। अगर बच्चा शुरुआत से एक उसका रुझान है किसी कला के अंदर,
तो उसको अगर बचपन से सिखाया जाए, उसको उस तरह का एटमोसफेयर दिया जाए, बहुत से स्कूल्स में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी में भी नहीं है, कुछ स्कूल में जब मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स या कुछ टीचर्स इतना एफर्ट्स करते हैं कि उन बच्चों को सिखा पाए, मगर वो कुछ जगह है, अगर सभी जगह सीबीएसई इस तरह का इंटरेस्ट ले तो शायद मुझे लगता है वो हर कला को, हम भारतीय संस्कृति को उठाकर वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक हम चाहते हैं, जहां तक हम कलाकार सोचते हैं कि वहां तक हमें जो कला को पहुंचाना है। बिल्कुल, विधिवत शिक्षा बहुत जरूरी है, और अगर हम शुरुआत से ही किसी बच्चे को जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, यदि हम उसको उसी चीज में अगर ढाल देंगे तो वो बहुत अच्छा करेगा, निश्चित तौर पर अच्छा करेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रदीप जी, एक चीज आपसे अभी कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी और आप बता रहे थे कि जुनूनी तो आप हैं ही, आपको जुनून होता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठ के आप अपनी पेंटिंग्स को पूरी करते हैं, और उसको जब तक आप पूरे मनोभाव से उसको बना नहीं लेते तब तक आप दम नहीं लेते हैं। तो ये जुनून आपके पढ़ाई के समय पे, जब आप बता रहे हैं जैसा कि आप इंजीनियर थे, तो आप इंजीनियरिंग करने के बाद जब आपने इसको एज ए प्रोफेशन चुना, तो आपके घर में क्या हुआ, मतलब पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी इसको जान के, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को प्रोफेशनली तौर पर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ अच्छे मुकाम पर हासिल करे, सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर उस तरह का कुछ अच्छा करे, और जहां तक बात है ये स्पोर्ट्स की, पेंटिंग्स की या फिर दूसरी विधाओं की जो भी होती है, बहुत ज्यादा संघर्ष और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके साथ क्या हुआ था? जैसे मैंने आपको बताया कि एक अनुभव था कि रात को मैं 2 बजे जो पेंटिंग बना रहा था, जो स्केच बना रहा था, उसमें मुझे क्या सुनने को मिला, तो बाकी जीवन में तो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने क्या फेस किया होगा, स्ट्रगल जिसे कहते हैं, कि एक पिता का जो मतलब पूरा एक्सपीरियंस है उनका, वो अपने बेटे के अंदर जो वो नहीं कर पाए, वो भी चाहते हैं कि वो मेरा बेटा करे, मैं भी पिता हूँ, मेरा भी बेटा है, मैं उसको भी सोचता हूँ कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं जो सोचता हूँ जो मुझे लगता है कि फायदेमंद रहेगा भविष्य में उसके लिए जरूरी रहेगा, जो उसकी सहायता करेगा। हर माँ बाप को ये लगता है कि हम अपने बच्चे को सही गाइडेंस दे दें और कहीं वो अपनी राह से भटक तो नहीं रहा है, कहीं उसके साथ ये परेशानी तो नहीं आ जाएगी। जी एक्जेक्टली, सब यही सोचते हैं। तो मैंने भी जिस तरह मैंने कहा ना कि मैंने 2 नावों में पैर रखने की कोशिश की, तो हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहा, बदलता रहा अपने पैर को, कि कभी इस नाव में कभी इस नाव में, मगर दोनों को सही रूप से टाइम देता रहा। जहां मेरी जो चीज हॉबी थी वो प्रोफेशन में तभी आई क्योंकि मैं उसको सही समय पे टाइम देता रहा। अगर जैसे आप कहें कि आपने एक पौधा लगाया, उस पौधे में सही रूप से पानी या खाद नहीं दी समय से, तो वो कितना बढ़ेगा, उसके अंदर क्या ग्रोथ होगी। इसी तरह अपनी एजुकेशन है, अगर आप एजुकेशन को सही टाइम नहीं देते, जितना आपको टाइम देना है चाहिए, अगर वो टाइम नहीं देते तो आप उसको आगे खुद ही आप अपना रिजल्ट देखेंगे कि आपने क्या दिया था और आपको क्या मिला। जैसे कि मैं कहूंगा कि मेरे लिए स्ट्रगल का टाइम ये था कि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में थे, तो एक रुबाब होता है एक पुलिस पर्सन का, एक मैं कहूंगा एक्सप्रेशन सी मेरे लिए काफी थे, उन्होंने बड़ी आंखें करके देखा तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैंने गलत किया, तो इतना समझना ही। और दूसरी बात यह है कि मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रदीप सिंह मान राजस्थान का जाट हूँ, तो जाटों की जो फैमिली है उसमें आर्ट मुझे लगता है कि कुछ सीमित दायरे में है, पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि सभी आर्टिस्ट हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, जाट भी आर्टिस्ट हैं बहुत सारे। तो वहां मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्यादा अपने पिता को समझाने की आवश्यकता है, तब धीरे धीरे मैं रोज पापा से बात करता था कि आज ये बड़ा आर्टिस्ट था, आज इसने 1 करोड़ की पेंटिंग बेची, आज इसने 9 करोड़ की पेंटिंग, एम एस हुसैन जी के बारे में भी मैंने अपने पिता से बात की। तो जैसे जैसे पापा को लगा कि हाँ ये जो कर रहा है उसका कुछ कहीं मतलब है, तो उन्होंने देखो एजुकेटेड वो थे, पुलिस पर्सन है तो मतलब एजुकेटेड है, वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं और समाज को वो बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं, जहाँ वो बुरी बुराइयां देख रहे हैं लोगों में तो वहां कहीं वो अच्छी चीजें भी देख रहे हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं उस समाज से। तो उन्होंने धीरे धीरे जब वो मेरे बातों को समझने की कोशिश की और समझा, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी किया, उन्होंने कहा कि कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन की तैयारी कर, उसके अंदर जा, अगर लग रहा है कि तुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तेरा फ्यूचर नहीं है तो तू जो काम जो भी काम कर रहा है सही ढंग से कर, दिशा दे उसको पूरी और पूरे रूप से कर, पूरी जोश से कर, मगर ये नहीं कि बिखर जाए, ये नहीं कि तू ना यही इंजीनियर की काम कर पाया ना तू पेंटिंग का काम कर पाया। तो मैंने एक एग्जीबिशन लगाई थी जिसमें मैंने जनरल आर्मी के मेजर जनरल थे
उनको बुलाया, अब्दुल कलाम जी के सेक्रेटरी को बुलाया, और न्यूज़पेपर में भी एग्जीबिशन का बारे में था मेरा विवरण किया गया, तो वहाँ मैंने अपने पिता को साथ बुलाया। तो वहाँ पे कुछ जजेस भी थे और कुछ एडवोकेट्स भी थे उस एग्जीबिशन के अंदर, जो मेरे पापा को जानते थे। तो जब उनसे मुलाकात हुई मेरे पिता की, तो उन्होंने कहीं आपस में बात करके समझा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक जगह पे पापा स्पेशल सेल में ड्यूटी लगी थी परवेज मुशर्रफ जी के साथ, तो सोनिया गांधी जी भी साथ में थे। तो वो कॉटेज एम्पोरियम कनाट प्लेस में कोई एक तस्वीर थी जो उन्होंने खरीदी थी पाकिस्तान ले जाने के लिए, वो पापा ने भी देखी कि वो पेंटिंग इतनी कॉस्टली उन्होंने खरीदी और उस पेंटिंग के अंदर क्या था वो समझा। तो उनके बाद मेरे से घर में आकर उन्होंने मेरे से शेयर किया कि प्रदीप, मैंने परवेश मुशर्रफ जी वहाँ आए हुए थे पाकिस्तान से और सोनिया गांधी जी भी यहाँ से उनको कॉटेज एम्पोरियम में लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर एक पेंटिंग उन्होंने खरीदी। तो सिक्योरिटीज में थे, स्पेशल सिक्योरिटीज में पापा। तो जब वो शेयर किया तब मुझे लगा कि मैं कहीं किसी हद तक अपने पापा को आर्ट के बारे में समझा सका हूँ या बता सकता हूँ कि हाँ, कि मैं उनके दिल में वो जगह दे सकता हूँ आर्ट को। हाँ, मैं उस आर्ट को दे पाया, अपने पापा को समझा पाया कि अब वो समझ सकते हैं कि यहाँ जो लड़का कर रहा है वो गलत दिशा में नहीं जा रहा, वो किसी सही दिशा में जा रहा है। तो पापा ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इसी दिशा में जाना चाहिए, काम करना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है तुम पूरी तरह से कर सकते हो तो करो। तब जब सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, जब मैंने एग्जीबिशंस लगानी शुरू की और जब मैं इसके बारे में पढ़ने के लिए कभी भी कहीं भी चला जाता था तो उनकी सपोर्ट मिलती थी पीछे से, तो वो सपोर्ट मेरे को लगता है बहुत जरूरी होती है एक पिता की, एक परिवार की। कि जैसे कि घराने होते हैं वो पीछे से चले आ रहे हैं कि इनका पिता भी संगीतकार थे, इनके पुत्र भी संगीतकार हैं और इनके दादा भी संगीतकार थे, तो उनको विरासत में मिली हुई थी, मगर मेरे लिए वो विरासत नहीं थी, वो मैंने खुद अर्न की है, वो मैंने अर्न की है। मैं कह रहा हूँ मैंने पूरी मेहनत की है उस चीज को पाने के लिए, वो मेरा, मैं कह रहा हूँ मैंने किसी से विरासत में मेरे पिता के पास से चलती हुई नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको जब अर्न किया तो वो जो खुशी है ना, वो शायद खुशी किसी और को नहीं मिल सकती जो मैंने अर्न किया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर पीछे से पेरेंट्स अगर नहीं समझते और वो जो नहीं बता पाते अपने बच्चे को, या बच्चा अपने पिता को नहीं बता पाता या माता पिता को, दोनों को नहीं बता पाता, तो शायद वो अपनी जो इच्छाओं को कहीं ना कहीं मार देते हैं, अपनी हॉबीज को खत्म कर देते हैं और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। और ये बेहद खुशी की बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी मनोभावों को समझा और आप को प्रोत्साहित किया और आप इस क्षेत्र पर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आज एक प्रदीप सीमान एक जाना माना नाम है। प्रदीप जी, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि प्रदर्शनी आपके पिताजी ने देखी और उसके बाद आपको प्रोत्साहित किया, तो आपने अपनी पहली प्रदर्शनी कहाँ लगवाई और कब लगवाई और कितने में आपकी पेंटिंग बिकी, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। पहले पहला जो मेरा शो था वो था सोलो शो, नहीं था वो ग्रुप शो था। ग्रुप शो में क्या था कि मैं जामा मिलिया इस्लामिया के कुछ मेरे दोस्त थे, वो भी पेंटिंग पार्ट से थे, तो मैंने उनसे पेंटिंग के लिए कहा कि हम सब मिलकर एक प्रदर्शनी लगाते हैं। तो एक प्रदर्शनी जो होती है, एक मतलब एरिया होता है, एक एटमोसफेयर होता है, वो क्रिएट करना होता है पूरा का पूरा, ये नहीं कि हमने कहीं भी उठाया और लगाकर वो प्रदर्शनी का हम नाम दे दें। तो एक जनकपुरी में एक जगह थी, वहां पर हमने उस हॉल के अंदर वो पेंटिंग लगाई, वहां पे सभी को आमंत्रित किया गया। तो वहां पे सभी दोस्तों ने जो पेंटिंग लगाई थी उसमें भी मेरे जो कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए थे देखने के लिए, जजेस थे, जब वो सब पेंटिंग देख रहे थे तब मैं कहूंगा कि उन वहां मेरी पेंटिंग को मुझे लगता है सही एक रूप मिला था, कि हाँ मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिला था कि सभी सभी का वो जो माहौल था वो पेंटिंग्स का था। वहां पर मेरी पेंटिंग जब मुझे मेरी बिकी, 2003 की बात है, 2003 में जब मेरी पेंटिंग 20,000 की बिकी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था मेरे लिए वो अमाउंट, 20,000 अमाउंट उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा था, कि हाँ मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा कमा लिया। बट आज की डेट में वो लोगों को लगता है अच्छा 20,000 की पेंटिंग, मगर वो 2003 के अंदर वो 20,000 की पेंटिंग मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती थी वो मैं जानता हूँ। जैसे मेरे स्टूडेंट हैं मानस जी, और वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो आपकी कला की पेंटिंग थी जी, आपकी कला का पैसा जो था वो आपके लिए प्रमुख जी। मैंने किसी से मांगा नहीं है, तो वो चीज एक होती है ना जो खुशी मिलती है, बच्चे को मिल जाती है,
तो वो आगे मतलब आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है उसी रास्ते पे, जब उसको अपने तरफ से सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल कि जो सपोर्ट है पेरेंट का और जो इंटरनल सपोर्ट है, जो आपके मन का जो पार्ट है, वो अगर आपको मिलता है तो ही आप आगे बढ़ पाते हैं। वरना कहीं मैं कहूँगा आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं हमारे भारत के अंदर, हर कोई एक आर्टिस्ट है, हर कोई कुछ ना कुछ बना सकता है, मगर उसको एक रूप देकर आगे बढ़ना, वो जो संघर्ष है, वो जो मैंने किया है, जो मेरे विद्यार्थी करते हैं, जो एक बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं, वो संघर्ष का रूप देने के लिए मुझे लगता है काफी समय लगता है, जो मैंने अपना आधा जीवन, मैं कहूँगा आधे से ज्यादा जीवन लगा दिया इस कला को देने के लिए। और अभी भी मैं अपना पूरा जीवन लगाने के लिए आतुर हूँ कि मैं इसको, आर्ट को जरूर प्रमोट करूंगा और आगे तक लेके जाऊंगा। अभी मैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल जीते हैं, मैं खुद भी इंटरनेशनल लेवल जीतना चाहता हूँ। मेरा जो सिखाने का तरीका है, विदेश विदेश में जाए और लोग सीखें और आगे तक बढ़े, मैं खुद ये चाहता हूँ। जो मेरी क्लासेस होती हैं उसके अंदर बायलैंग्वली, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिखाता हूँ बच्चों को। और मैं अब धीरे धीरे चैनल पे भी आने लगा हूँ, जैसे कि आज का युग ये है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। आप उस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल युग को अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं आप पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो मैं उन दोनों को मिश्रण करके, कि यूट्यूब के चैनल को भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उस पर भी अपनी पेंटिंग्स बनाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी उस पर पेंटिंग डालते हैं, वो शेयर करते हैं कि हमने किस तरह बनाई, तो हम उस माध्यम से भी आगे बढ़ रहे हैं और हम परंपरागत रूप से भी आगे बढ़ रहे हैं। हम हर चीज को सही समय देता जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं आगे आगे, एक नया रूप जी देना चाहते हैं तो जी उसको बनाते जा रहे हैं। जी मगर ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है प्रदीप जी, और आजकल लोग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू भी पेंटिंग्स बना लेते हैं, और उसमें बनाने के बाद वो अपना अपने रूप से उसका कलर कर देते हैं और उसको पेश कर देते हैं। तो उसमें और विधिवत रूप से इस पेंटिंग को सीखने में, दोनों में आपको क्या अंतर लगता है, और कितनी आपको लगती है कि अगर ये जो डिजिटलाइजेशन के जमाने में जो पेंटिंग्स बन रही है कंप्यूटर के थ्रू, तो इससे आपकी जो चित्रकला है उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है? हाँ, मैं ये कहूँगा कि नुकसान तो बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जिस पेंटिंग को मैंने मतलब एक एक स्ट्रोक को बनाने के लिए कितना रियाज किया था, वहां जाके मैं बिल्कुल स्ट्रोक को निकाल पा रहा हूँ, उसे एक मशीन, मैंने शायद यूट्यूब पे एक मशीन देखी थी जिसमें वो एक हाथ बना हुआ है और वो ब्रश में डिप हो रहा है, वो पेंटिंग बना रहा है। बना रहे तो हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो पूरी की पूरी मशीन ने शायद एक जज्बात खत्म कर दी, एक पेंटिंग का जो जज्बा है स्ट्रगल लोगों है के वो बीच खत्म में। कर दिया, जज्बा है वो सब खत्म कर दिया। मगर कहीं कहीं आप अगर आप शोरूम में जाते हैं और एक डमी को कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो आप क्या फील करते हैं? क्या वो असली आदमी खड़ा है उस कपड़े में? नहीं, एक नकलीपन, जो एक आर्टिफिशियल फीलिंग्स होती है, वो रहती है आपके मन में कि नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल इतनी मेहनत से नहीं बना, ये तो आर्टिफिशियल है, ये रियल नहीं है ना। तो पेंटिंग्स के अंदर भी मैं कहूँगा डिजिटलाइजेशन के अंदर या किसी ऐसे टूल को यूज करने के बाद जब आप पेंटिंग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेंटिंग का जो चाहने वाला है, जो समझ रखने वाला है, जो उसको मतलब समझता है पेंटिंग क्या चीज होती है और कितने मेहनत से बनती है, तो कहीं जाके उसके मन में ये तो जरूर आता है कि हाँ, ये हाथ की बनी हुई नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है। मतलब रियल पेंटिंग होती है तो हमें पता है कैसी होती है और कैसे बनती है, कितनी मेहनत लगती है, हाँ, क्या सही बोल रहे उसके हैं। अंदर एक्सपीरियंस होता है। तो वो डमी और पेंटिंग दोनों में जो फर्क है, वो एक समझदार आदमी निकाल लेता है। हाँ, किसी को दीवार सजानी है तो वो पोस्टर लगाए, प्रिंट लगाए, जो मर्जी लगाए, उसे तो पेंटिंग से बिल्कुल मतलब ही नहीं ना। तो उसने तो सिर्फ एक दीवार सजानी थी, उसने प्रिंट आउट लिया या मशीनी डिजिटल कुछ लिया और उसने लगा दी, मगर हकीकत में बहुत से लोग चाहने वाले हैं, बहुत लोग इसको प्रोत्साहित करते हैं, इस कला को, किसी भी कला को। जब वो घर सजाते हैं तो वो पर्टिकुलर है कि मुझे यही आर्ट चाहिए और हाथ से बनी हुई चाहिए। तो मैं कई बार जब पेंटिंग बनाता हूँ तो उसकी वीडियोस बना के शेयर करता हूँ। जब मेरी 2 लाख रुपीज की पेंटिंग बनी थी और जब मैंने उनको दी थी, तो उनको लगा कि यार ये कहीं किसी और से तो नहीं बना लाया भाई, नाम चलता है लोगों का, साइन करके जी बेच देते हैं। जी तो जी एक जो फीलिंग, हर एक प्रैक्टिकल है, लोग सभी प्रैक्टिकल है, तो जो उनके मन में फीलिंग आती है ना, उस फीलिंग के लिए मैंने वो रिकॉर्डिंग किया। वो डिजिटल मेरे लिए तो अच्छा हुआ, मैंने उसको रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड करके मैंने उन्हें भेजा, तो उन्होंने कहा हाँ, इन्होंने इतनी मेहनत लगाई है, इतनी मेहनत करके इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। तो जो अमाउंट मुझे मिलता है उसके साथ कहीं वो डिजिटल मेरे को काम हेल्प भी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक जी इंस्ट्रूमेंट्स। मगर हाँ, मतलब पेंटिंग मैं बिल्कुल कहूँगा हाँ, ये हैंडमेड पेंटिंग की जो आपने इम्पोर्टेंस है वो नहीं है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये आत्मसंतुष्टि ही बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही आत्मसंतुष्टि जो है हमको एक मुकाम तक पहुंचाती है। प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ और क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं जैसे कि टीचर एप्रिसिएशन अवार्ड ले चुका हूँ, मैंने अपने स्टेट लेवल और जोनल लेवल जीते हैं अपने टाइम पे। उसके बाद मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परवेज साहिब सिंह वर्मा से एप्रिसिएशन अवार्ड लिया है मैंने उनसे, वो सर्टिफिकेट जो टीचर डे पे मुझे मिला था। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पुरस्कार लिए हैं, और मेरे लिए पुरस्कार का मतलब मेरी फाइटिंग नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स की फाइटिंग है। क्योंकि मैं जब सिखा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो जीत रहे हैं वो मैं ही जीत रहा हूँ कहीं पीछे से, और जब वो मेरा नाम लेते हैं तो जब जहाँ मेरा नाम आता है तो वो भी मेरे लिए एक पुरस्कार का ही रूप है कि किसी ने मेरा नाम बच्चे ने लिया कि मैंने उस टीचर से सीख कर मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे लिए वही पुरस्कार है। पुरस्कार एक सर्टिफिकेट या एक ट्रॉफी नहीं रही यहाँ पे, यहाँ पे शब्द हो गए हैं और एक रूप हो गया है बच्चे का कि मैंने प्रदीप सर से सीखा था और मैं आज यहाँ पहुंच चुका हूँ। जी बिल्कुल प्रदीप सिंह मान जी, आप ई मंच के माध्यम से हम आपको ढेरों बधाइयां देते हैं, और हम चाहते हैं कि आप थैंक नित यू नई वेरी मच। ऊंचाइयों पर पहुंचे और एक और बहुत ऊंचा मुकाम आप हासिल कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुत बहुत उपयोगी समय धन्यवाद, हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, ई मंच का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मेरी ये फीलिंग शेयर कर सका मैं आपके साथ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।